बल्लभ कॉलेज मंडी के 5 विद्यार्थियों को आईआईटी मद्रास के शास्त्र फेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा। बल्लभ कॉलेज मंडी के जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में शानदार प्रदर्शन करने वाले 5 प्रतिभागियों को ही आईआईटी मद्रास जाने का मौका मिलेगा। बल्लभ कॉलेज मंडी के 5 विद्यार्थियों को आईआईटी मद्रास के शास्त्र फेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा। बल्लभ कॉलेज मंडी के जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में शानदार प्रदर्शन करने वाले 5 प्रतिभागियों को ही आईआईटी मद्रास जाने का मौका मिलेगा। वर्कशॉप आईआईटी मद्रास के शास्त्र फेस्ट के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस वर्कशॉप में प्रथम वर्ष तृतीय व पांचवें सेमेस्टर के 40 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इन्हीं में से 5 विद्यार्थियों का चयन शास्त्र फेस्ट के लिए होगा। वर्कशॉप के मुख्य वक्ता पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर रहे प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप रहे, जिन्होंने वर्कशॉप में प्रतिभागियों को टिप्स दिए। बल्लभ कॉलेज मंडी के जूलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राधिका जम्बाल ने बताया कि आईआईटी मद्रास एक प्रतिष्ठित संस्थान है। ऐसे में कॉलेज के 5 विद्यार्थियों को आईआईटी मद्रास के शास्त्र फेस्ट में जाने का मौका मिलना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में मुख्य वक्ता प्रतिभागियों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थ्योरी व प्रैक्टिकल के बारे में विस्तार से बताएंगे। उन्होंने बताया कि ये वर्कशॉप न केवल बच्चों के लिए बल्कि प्राध्यापकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे 2 दिवसीय नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है मंडी कॉलेज में इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास, जो उसका शास्त्रा फेस्ट है। इस कंपटीशन में हमारे 40 बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो है ये फर्स्ट राउंड है यहाँ पे, और 40 बच्चों में से 5 बच्चे जो हैं आगे आईआईटी मद्रास के लिए सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे, जो कि शास्त्रा फेस्ट है आईआईटी मद्रास का। और आप सबको मालूम ही है कि आईआईटी जो मद्रास है वो कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और जो रिसोर्स पर्सन है यहाँ पे वो डॉक्टर प्रदीप मजूमदार हैं, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे भी कार्यरत रह चुके हैं, और अब ये लोग बच्चों को जो है यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे थ्योरी भी करवाएंगे फर्स्ट डे, और सेकंड डे ये प्रैक्टिकल होगा, और सेकंड डे ही कंपटीशन होगा जिसमें 5 बच्चे ये सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो कंपटीशन हो रहा है, एक तो बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इनका जो ओवरऑल विकास है और इनकी जो नॉलेज है उसको तो एनहेंस करेगा ही करेगा, साथ साथ में ये टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोई नई चीज़ सीखने के लिए। आपको बता दें कि शास्त्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का वार्षिक तकनीकी उत्सव है। इसमें विभिन्न इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतियोगिताओं, शिखर व्याख्यान, वीडियो सम्मेलन, प्रदर्शनों और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ये फेस्ट जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान 4 दिन 4 रातों के लिए आयोजित किया जाता है।